हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग, न्यू डे। तो आज का जो वीडियो है वो खाने के बारे में होने वाला है। जर्मनी में क्या खाए, है ना। जर्मनी हम ऐसे मतलब थंबनेल तो बहुत अच्छा बन सकता है। और तो फूड क्या खा सकते हैं हम लोग जर्मनी में। तो मैं जब आया था तो मुझे यहाँ के फूड का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। बस मैंने सुना था कि ये लोग बहुत सारे आलू यूज करते हैं, तो है ना, हर मील में वो लोग पोटैटोज का मतलब यूज़ करते हैं। बहुत सारी डिशेस है इन लोग के। सो और यहाँ का एक्चुअली फूड है ना बहुत ज़्यादा बोरिंग है। इतना उसमें टेस्ट नहीं होता, स्वाद नहीं होता उसमें। वो लोग फिर सिर्फ पेपर, विनीग्रेट और सॉल्ट, बस यही इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली देर इज़ लॉट ऑफ डिशेज, दे आर सो डिलीशियस, बट ऐसा नहीं कि मतलब बहुत ही ज़्यादा इंडियन फूड की तरह, कुछ भी कंपेरिजन नहीं है इंडियन फूड से। तो लेकिन यहाँ का जो एटमोसफियर है ना, यहाँ पे वही फूड सूट होता है आपको। अगर आप बहुत स्पाइसी फूड खाओगे ना तो आपको इतना मतलब वो हेल्दी नहीं है यहाँ के एटमोसफियर में। इसलिए ये लोग यही खाना प्रेफर करते हैं। और वो बहुत मतलब पहले से खाते आ रहे हैं, तो इन लोगों को वो आदत हो गई है। वो इतना मतलब अगर इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स की आदत नहीं है इन लोग को तो। लेकिन हम जब इंडिया से आते जर्मनी, तो हम लोग को बहुत, हमारा जो पैलेट है ना वो उस फूड से यूज्ड टू होता है। तो हम लोग जब ये खाना खाते स्टार्टिंग में, तो हमको ऐसा लगता है कि इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ें होती है। लेकिन जैसे आपको आदत होगी ना यहाँ पे खाने की, मतलब बहुत सारा टाइम हो जाएगा आपको, 6 मंथ 7 मंथ, तो आपको वो आदत हो जाएगी और आपका जो पैलेट है ना वो फिर उस हिसाब से आपको रिएक्ट मतलब करेगा, और फिर आपको इतना डिफरेंस नहीं लगेगा। तो फूड मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली सब चीज़ें मिलती है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें मिलने लग गई है, जैसे कि अगर आप बिग सिटीज़ में हो तो आपको मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ें मिल जाएंगी इंडियन फूड घर पे बनाने के लिए। अगर आपको कुकिंग आती है तो आप इंडियन फूड घर पे बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो। ऑब्वियसली कोरिएंडर और फिर करी लीव्स, इनको इनका थोड़ा शॉर्टेज होता है, कभी कभार नहीं मिलती चीज़ें। लेकिन मतलब 99% आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप इंडिया से स्पाइसेस लेके आ रहे हो। और सब चीज़ें अगर आपके पास है, खड़े मसाले वो सब चीज़ें हैं ना, तो बहुत अच्छा खाना बना सकते हो। जैसे कि हम मतलब मैं बनाता हूँ, जब मेरी छुट्टी होती है तब मैं घर पे ही इंडियन फूड बनाता हूँ। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपको यहाँ का फूड भी थोड़ा ट्राई करो। ऑब्वियसली बोरिंग है लेकिन फिर ट्राई तो कर ही सकते हो। एक्चुअली यहाँ पे ना यूरोप के जो कंट्रीज़ है ना उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है फूड के बारे में। जैसे कि इटालियन, फिर टर्की के जो लोग हैं उन लोगों ने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स यहाँ पे खोले। एशियन रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे हैं, थाई रेस्टोरेंट्स, फिर चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स, इंडियन रेस्टोरेंट्स तो अभी बहुत है। जैसे कि बर्लिन में, हैमबर्ग में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। बर्लिन में एक मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट भी है, वो इंडियन मतलब इंडियन क्यूजीन का है। सो ऐसे मतलब बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे, आप फूड ट्राई कर सकते हो। या फिर अभी तो स्ट्रीट फूड भी आने लगा है जर्मनी में, मतलब बहुत पहले से, आई थिंक मुझे पता नहीं था लेकिन मैंने भी देखा है। सो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, बस वही है फिर आपको क्या सूट होता है, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है फूड के बारे में। जो कॉस्ट है मतलब एक्सपेंसेस है फूड के बारे में, वो कैसा है कि जैसे कि अभी अगर आप होटल की हाउस बिल्डिंग कर रहे हो या फिर आप मतलब घर पे बना रहे हो तो सब सही है। तो अगर नहीं आती आपको कुकिंग तो आपको सीखना पड़ेगा, और वो तो मतलब कुकिंग लाइफ स्किल है ना, वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा। थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए एक्चुअली। और दूसरी चीज़ है कि जो एक्सपेंसेस है, अगर आप होटल की हाउस बिल्डिंग कर रहे हो तो आपको फूड वहीं पर मिल जाता है। लेकिन वहीं पे अभी और एक दिक्कत आएगी, जैसे कि जो आपको फूड मिलता है ना वो जर्मन फूड ही होता है, तो उसमें हमेशा वो सॉस डाल देंगे या फिर पटेटोज या फिर राइस, है ना, और कुछ तो फ्लाइश होगा। फ्लाइश मतलब मीट, कुछ भी मतलब श्वाइन या फिर कभी कभार हिंशन, मतलब ऐसे चीज़ें होती है। तो आपको मतलब ऐसा नहीं कि हर बार पसंद आए, तो कभी कभार पसंद नहीं आएगा, कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये सही नहीं है, समझ में नहीं आएगा। मेरा तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा मीट है वो, मतलब चिकन नहीं है, श्वाइन है तो फिर कौन सा है। तो बहुत मतलब समझ में नहीं आता क्योंकि हम लोगों ने कभी खाया नहीं है वो चीज़ें और इतना पसंद भी नहीं आता। सो वो दिक्कतें आती है। तो अगर आपको नहीं खाना तो आप नहीं खा सकते, उनको बता सकते कि मुझे नहीं खाना ये, तो आपको जो पे कर रहे हो वो आप नहीं पे करोगे, और फिर आप खुद घर पे बना सकते हो आपको जो भी अच्छा लगे, है ना।
वो चीज़ें आप कर सकते हो, उनसे बात करके आपको बता सकते हो कि मैं यही खाना खाना प्रेफर करता हूँ, तो मुझे ये अलाउड नहीं है खाने के लिए, तो वैसे आप उनको बता सकते हो और फिर वो लोग वैसे उस हिसाब से चेंज करेंगे, है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। अगर जैसे कि फर्स्ट ईयर में इतना एक्सपेंसेस नहीं, मतलब इतना एक्सपेंसिव नहीं था यहाँ पे, चीज़ें 100 यूरोस तक हो जाती थी खाने की। अभी कैसे, अभी बहुत एक्सपेंसिव हो गया। मैं जब से आया हूँ तब से ये जो यहाँ पे, यहाँ के जो सुपर मार्केट्स हैं ना, नेटो, सुपर एडेका, ये पेनी, ये जो सुपर मार्केट्स हैं यहाँ पे, अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई है। मतलब जैसे कि अभी मतलब 30-40 सेंट एक्स्ट्रा हो गए हर चीज़ में, है ना। डिपेंड करता है आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर कितना खर्चा, लेकिन 100-150 यूरोस तक हो ही जाता है खाने का, है ना, अगर आपको होटल से मिल भी रहा है या नहीं भी मिल रहा है, क्योंकि आप बाहर जाते हो या फिर कुछ भी चीज़ें ट्राई करते हो, तो उसमें तो बहुत सारी, मतलब बहुत सारे पैसे लग ही जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको ट्राई भी करनी है चीज़ें, ताकि आपको समझ में आए कि, क्योंकि खाना ऐसी चीज़ होती है जो अगर आप वो, है ना, आप कल्चर से जुड़ जाते हो फिर, कि आपको पता चलता है कि ओके किस तरीके का कल्चर है इन लोगों का, या फिर कैसा खाना सूट करता है, और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी अगर आप ट्राई करोगे ना नई चीज़ें। क्योंकि मैंने ऑब्वियसली मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी थी, वो यहाँ पे आके देखी जो ट्राई करी, तो कुछ चीज़ें मुझे अच्छी भी लगी, कुछ चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी। डिपेंड करता है उन चीज़ों पर। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में आ रहे हो तो 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए स्पाइसेस लेके आओ, तो आपको, है ना, इंडियन फूड की कमी महसूस नहीं होगी कभी भी। ऑब्वियसली स्ट्रीट फूड तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, मतलब इतना इंडिया के जैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो तो हम मैं खुद मिस करता हूँ, जैसे कि वड़ा पाव मेरा फेवरेट है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मिस करते हो आप। लेकिन यहाँ के एटमोसफियर के हिसाब से जो खाना सूट होता है वही आप ट्राई करो, और फिर उस हिसाब से आप हेल्दी भी रह सकते हो, और फिर आपको कुछ दिक्कतें भी नहीं आएगी, है ना, तो आप फिट भी रह सकते हो। यही था एक्चुअली खाने का। तो मेरा ऐसा जो कुछ एक्सपीरियंस, जो मैंने वही बोला कि मुझे समझ में नहीं आता था कि कौन सा क्या खाना है ये करके। मैं तो मतलब अभी तो कैसा शेड्यूल बन गया है कि कभी घर पे कभी रेस्टोरेंट में, है ना, मतलब जो वहाँ पे जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे मिल जाता है। डिपेंड, अभी वो चीज़ें हो गई। लेकिन अगर आप अभी आ रहे हो जर्मनी में, तो ट्राई करो कि स्पाइसेस लेके आओ, बहुत सारी चीज़ें, और बस यही था एक्चुअली। और आई होप कि आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।